क्या आप कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं? लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? ओके, वो आपको ऐसा करने नहीं दे रहा, या आपका जो फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही। और राइट, सो ये सब लोग हैं जो आपको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग एंड आई थिंक आप उसको समझ पाएंगे। सो एक बार क्या होता है कि एक सर्कस में 5 एलिफेंट्स को रूल करने वाला यानी उनको रखने वाला एक महावत था, और वो एक सर्कस शो में जो है उन 5 एलिफेंट्स का शो करता था, और 5 को एक ही रस्सी से, बहुत ही कमज़ोर सी रस्सी थी, और उस एक ही रस्सी से उनको बांध कर और चलाता था, फिर उसके बाद शो करता था। लेकिन कभी भी कोई भी एलिफेंट जो है, कोई भी हाथी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? जबकि रस्सी तो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी हाथी रोज़ आते थे लाइन में, उसी रस्सी से बंधे हुए शो करते थे और उसके साथ चले जाते थे। ये जब देखा किसी एक व्यक्ति ने जो कि सर्कस में आया, कुछ दिन बाद वो देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उस महावत से पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर रस्सी से इन 5 हाथियों को बांधकर लाते हो, इन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की? तो उस महावत ने बताया उसे कि जब ये छोटे थे ना, ये छोटे से ही मेरे पास हैं, सो जब ये बहुत छोटे थे, बेबी एलिफेंट्स थे, तब मैंने इनको ऐसी ही यही इसी रस्सी से मैंने बांध कर रखा था। तब ये बहुत छोटे थे इसीलिए कभी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाते थे क्योंकि ये कमज़ोर थे। लेकिन आज जब ये बिल्कुल बिग एडल्ट एलिफेंट्स बन चुके हैं, लेकिन जो रस्सी है उनको यही लगता है कि हमने छोटे बचपन से ही हम इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, और करते करते यही आदत इनको मैंने डाल दी है, यही इल्यूजन इनके माइंड में है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, तो इन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया, अदरवाइज़ ये रस्सी बहुत कमज़ोर है। सो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में कि, और वो सब की सब जो है बाकी लोगों के द्वारा बनाई गई सिचुएशंस होती हैं, एंड इट्स ऑल विद इन अस कि हम जो है हम कितना क्या कर सकते हैं अचीव, क्या हमारी लिमिट्स हैं वो हम तय करते हैं, हम ही डिसाइड करते हैं व्हाट आर आवर लिमिटेशंस। नोबडी एल्स कैन डिसाइड। इफ टुडे यू थिंक यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, एक्शंस आप लेंगे, एक्शंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। लेकिन आप सिर्फ चाहते हैं, जस्ट यू विश टू यू नो अचीव दोज थिंग्स इन योर लाइफ, बट आप एक्शंस ही नहीं ले रहे, आपके एक्शन स्ट्रांग नहीं है, यू जस्ट विश, सो डेफिनेटली इट विल नेवर हैपन। और आपको डेफिनेटली उस बात को नहीं होने के लिए, उस गोल को अचीव नहीं कर पाने के लिए कोई ना कोई तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा जिसको आप ब्लेम कर पाए, और आप वही करते हैं। तो इसीलिए जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, लुक इन टू योर इनर सेल्फ कि कहाँ पे कौन सी लिमिटेशन हमने लगा रखी है। रिस्ट्रिक्शंस हम खुद ही लगाते हैं अपने ऊपर, और फ्रीडम भी हम खुद ही दे सकते हैं अपने आप को कुछ भी लाइफ में अचीव करने का। सो ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कहाँ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, कोई और नहीं है, ये आप ही हैं।